Hello everyone welcome to my youtube channel today we are going to learn about digestion this is a diagram of the internal organs of the body okay but before starting this topic first of all we have to know what is digestion digestion is the simple change of food into a form

हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे ओके सो दिस इज वाई डाइजेशन इज रिक्वायर्ड नाउ लेट स्टार्ट दिस इज द डायग्राम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस इज़ द फूड पाइप दिस इज द लीवर दिस इज This is the stomach. These are the pancreas. This is the liver. And here you can see this is more balloon shaped or a pear shape. This is called bladder. this is small intestine and this is the large intestine

एंड थ्रू दिस फूड पाइप इट एंटर्स इन टू द स्टमक वो कहाँ पर आता है जब वो पेस्ट बन जाता है तो स्टमक में अब स्टमक क्या करता है स्टमक एक्ट एज ए मिक्सर ग्राइंडर जैसे हम सब के घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है क्या करते हैं उसमें पेस्ट बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को सॉलिड को और भी स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज करने के लिए करते हैं यूज़ ऐसे ही स्टमक जो है एज अ एक्ट एज ए मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पर जो भी फूड प्रजेंट होता है तो वो और भी छोटे पीसेस में या फिर आप कह सकते हैं एज थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है कैसे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है वो एसिड इस फूड को और भी छोटे 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 पीसेस में चेंज करता है कन्वर्ट कर देता है ओके देन दिस फूड एंटर्स इनटू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन अब ये कहाँ पे आता है जब ये फूड पेस्ट बन गया तो उसके बाद ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल एक चीज़ और स्टमक में सबसे पहले जो डाइजेशन होता है वो होता है प्रोटीन्स का सबसे पहले डाइजेशन जो होता है वो प्रोटीन्स का होता है स्टमक में ठीक है उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये और भी ब्रेक होता है जो भी फूड होता है वो और भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक कैसे होते हैं जो लीवर गैल ब्लैडर और पैंक्रियास थे ये हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइल प्रोवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है वो बाइल बनाता है एंड गैल ब्लैडर ये जो छोटा सा गैल ब्लैडर है ये इसको बाइल को रिलीज़ करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हेल्प करता है इन डाइजेशन प्रोसेस के लिए डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मीन्स आप कह सकते हैं कि ये उस फूड को और छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है जिससे हमारी बॉडी आराम से उसको एबजॉर्ब कर सके उस न्यूट्रिएंट्स को ठीक है और पेंक्रियाज भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिससे यहाँ पे मोस्टली जो भी हमने फूड खाया है उसका नाइन्टी फाइव परसेंट एब्जॉर्बशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है वी गेट वी गेट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ द न्यूट्रियस फ्रॉम द फूड डाइजेस्टेड इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक मोस्टली डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन वाटर वेस्ट और वाटर इज लेफ्ट वो यहाँ से कहाँ पे जाता है इट गोज़ इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन वो अब इसके बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिय प्रेजेंट होता है उसमें रेसिड्यू में या जो कुछ भी थोड़ा बहुत वाटर होता है ये उसको भी हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ये लार्ज इंटेस्टाइन और जो भी लेफ्ट ओवर वेस्ट है वो हमारी बॉडी उसको बाहर थ्रो कर देती है ओके okay? अच्छा इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं इसलिए कहते होंगे क्योंकि ये स्मॉल है है ना ये लेंथ में स्मॉल होगा छोटा सा दिख रहा है और ये बड़ा होगा इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं ये है ना बट इफ यू आर थिंकिंग सो देन यू आर रॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन की ज अराउंड सेवन मीटर्स वेर इज द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटस्टाइन इज वन पॉइंट फाइव मीटर्स ओनली सो डोंट गो अवर द नेम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज अरेन्ज इन ए कॉम्पैक्ट फॉर्म इसलिए इसे स्मॉल इंटस्टाइन कहते हैं एक बार मैं और रिवाइज करवा देती हूँ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन अवर माउथ माउथ में सलाइवा से फूड मिक्स होता है फिर फूड यहाँ पे फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ पे एंटर करता है स्टमक में स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारे फूड को और ब्रेक करता है स्मॉलर पीसेस में और यहाँ से वो कहाँ पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें एंजाइम्स मिलते हैं बाइल जूस मिलते हैं उससे हमारा फूड जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है और हमें मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो भी हमने फूड खाया है उसके बाद वॉट एवर लेफ्ट ओवर रेसिडीज रेसिडीज थे इट गोज इन टू लार्ज इंटेस्टाइन वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है एंड आफ्टरवर्ड्स दिस थ्रो नाउ ओके दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग यू कैन मी इन द कमेंट बॉक्स टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग बाय बाय